TV20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV20 न्यूज। धन्यवाद। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा, और मोबाइल नंबर है 94-15-20-77-28। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिनसेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जैनपुर पुलिस ने किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। घटना के बारे में आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराकार के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस की सफलता हाथ मिली है। बता दें कि 3 मई को वादनी थाना जैनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर एक लिखित रूप दिया गया था कि अहमद पुत्र अफजल, अशरबाग पुत्र अजमल, सामिर पुत्र शहनवास और सुकासी पुत्र सुल्तान, अरमान पुत्र लल्लू और बबलू रहमान पुत्र इसरार, ये लोग मिलकर धमकी दिया है और गाली गुप्त देते हुए गलत नियत से वादनी का हाथ पकड़ छेड़खानी किया गया है। इस तरीके के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और इनको आज इनमें से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग गैर द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव 2023 के दृष्टिगत थाना कोतवाली, थाना मुबारकपुर व थाना जहानागंज क्षेत्र के अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया गया तथा बनाए गए बूथों और मतपीठिका रखने के लिए सुनिश्चित किए गए कमरों का निरीक्षण करते हुए साफ सफाई कराने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा बताया गया कि अराजक तत्वों और चुनाव को प्रभावित करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कलेक्ट्रेट बार और दीवानी बार में अधिवक्ताओं के संघ और प्रबुद्धजन के संघ बैठक कर आजमगढ़ नगर पालिका परिषद प्रत्याशी अभिषेक जायसवाल दीनू समेत सभी भाजपा के सभासद प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की अपील किया। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कुंवर सिंह उद्यान में अभिषेक जायसवाल दीनू के साथ प्रातः जनसंपर्क किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सुशासन व विकास की स्पष्ट नीति के साथ काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ अंत्योदय के उत्थान कार्य कर रही है। 2017 के पूर्व उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं का बोलबाला था, जगह जगह दंगे होते थे। 2017 के पूर्व कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो सकता है। इस तरह से तमाम बातें कही। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष सजानंद राय, जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह, जिलाध्यक्ष लालगंज सिकंद राय, योगेंद्र राज, कुंतला चौहान, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, जयनाथ सिंह, विनोद राय, मंजू सरोज, संगीता तिवारी, शिवनाथ सिंह, वंदना सिंह, श्री कृष्ण पाल, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, अरविंद जायसवाल, सत्येंद्र राय, अवनीश मिश्रा, प्रवीण सिंह, ब्रजेश यादव, हरवंश मिश्रा, सूरज श्रीवास्तव, हनुमंत सिंह, विवेक निषाद, अवनीश चतुर्वेदी, जिला पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने के अंतर्गत ग्राम सभा नराव दिन शुक्रवार को अखिल दरिया पंथ धरकंदा किनारा संत सम्मेलन के शुभ अवसर पर अखिल दरिया पंथ के महंत एवं संतों द्वारा आचार्य पीठ धरकंदा किनारा जिला रोहतास बिहार के महंत का चुनाव सुसम्मत से किया गया, जिसमें निम्नलिखित महंत संत एवं भक्तों द्वारा चादर एवं तिलक देकर महंत संत सिडनी दास को आचार्य महंत एवं अशोक दास को उप महंत एवं बालक दास को अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। उक्त अवसर पर 5 दिवसीय संत सम्मेलन और भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें देश और प्रदेश के महान साधु संत भाग लिया। इसमें अपने अपने विचार प्रवचन के माध्यम से रखे और साधु समाज व भक्तगण को अपनी बातों से अवगत कराते हुए समाज के उत्थान के लिए बुराइयों को किस तरह से समाप्त किया जाए और समाज कैसे आगे बढ़े, इस पर भी विचार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम के समापन पर मुख्य रूप से सभी संतों ने सर्वसम्मति से धरकंदा बिहार का आचार्य महंत संत स्नेही दास को चुना गया व फूलमाला पहनाकर स्वागत भी किया गया। हाँ, अपना परिचय दीजिएगा महंत जी। मैं महंत संत स्नेही दास जी, नराव सदुदरिया आश्रम का महंत हूँ। आज आपके यहाँ 5 दिनों से संत सम्मेलन, पंच दिवसीय संत सम्मेलन कराया जा रहा था नराव गाँव कुटी पर, इसके संबंध में क्या बताना चाहे, किस तरह का सम्मेलन यह कराया जा रहा था? ये जो है सतगुरु दरिया साहब के सिद्धांत के मुताबिक जीव कल्याण के लिए संतों के द्वारा सत उपदेश दिया जाता है तथा भंडारे का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें दूर दूर से लोग आकर के और भोजन भंडार भी लेते हैं तथा सत उपदेश। इस सम्मेलन में कहां कहां के महंत आए थे? इस सम्मेलन में छपरा जिला, गोपालगंज जिला बिहार और मन और जगह से भी, यूपी बिहार से भी संत लोग आए थे। पूरे भारत से आते हैं लोग? हाँ, भारत से। तो इस सम्मेलन का कराने का क्या मतलब है आपका? संत सम्मेलन कराने का मतलब कि जीव का उद्धार हो जी और समाज में
सुंदर स्वभाव बने, सब लोग शिक्षित हों, व्यवहार बढ़िया बनावे, उद्देश्य यही है और जीव का कल्याण हो। तो जैसा कि आपका पंच दिवसीय संत सम्मेलन जो है कराया जा रहा था, जिसमें हमको जानकारी हुई कि आपको धरकंधा से आचार्य महंत चुना गया है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? सतगुरु दरिया साहब का सिद्धांत जो है जी, उस सिद्धांत के मुताबिक जो आचार्य गद्दी पर इस समय वर्तमान जो रह रहे हैं जी, वो नहीं चल रहे हैं, इसलिए संतों का विचार हुआ, महंतों का विचार हुआ कि हम लोग अपना जो है आचार्य महंत जी, वो उन्हीं को चुनेंगे जो दरिया साहब के सिद्धांत को जानते हों, जो जिनका स्वभाव अच्छा हो, बाल ब्रह्मचारी हो जी, इस तरह से सबके निगाह में जो आचार्य महंत दंशी सतदेव साहब और दीवानी गद्दी जो है आचार्य महंत विक्रम साहब और शंकर साहब, यानी ऐसे ऐसे सभी संत लोग का विचार हुआ कि महंत सत्स्नेही दास ही आचार्य महंत के लायक हैं, इसलिए इनको हम लोग आचार्य महंत चुन रहे हैं। मैं पुनः सभी संतों को धन्यवाद दूंगा कि हमें आचार्य महंत के लायक समझ करके सतगुरु दरिया आश्रम धरकंधा रोहतास बिहार का आचार्य दीजिए महाराज। ये मैं आचार्य गद्दी धरकंधा रोहतास बिहार का उप महंत नियुक्त किया गया हूँ, और ये मुझे खुशी है कि मैं जब आया नराव आश्रम पर अपने संतों के द्वारा जो सत्स्नेही साहब ने पांच दिवसीय भंडारा कराया था, सम्मेलन कराया था, उसमें आया और वहाँ सब संतों का प्रवचन सुना, संतों का जो अध्यात्म के प्रति जो लगाव है, रुचि है, कैसे बढ़ाया जाए, समाज में कैसे इसको फैलाया जाए कि अच्छाई हो, तो इसको हमने सुना। और सारे संत और जो हमारे महंत लोग थे, आचार्य गद्दी तेलपा महंत विक्रम साहब, आचार्य गद्दी दंगसी महंत सत्यदेव साहब, और आचार्य गद्दी मिर्जापुर शंकर साहब, इन लोगों ने और जितने भी यहाँ पहुँचे थे संत समाज से दूर दूर से, जो कि बिहार से, यूपी से और अन्य जगहों से बहुत बड़े बड़े संत लोग आए हुए थे, और हम लोगों को इस पद के मतलब समझे लोग कि नहीं लायक हैं, तो सत्स्नेही साहब को आचार्य महंत धरकंधा के रूप में नियुक्त किया गया, और मुझे आचार्य महंत उप महंत अशोक दास यानी धरकंधा का मैं उप महंत नियुक्त किया गया हूँ, और मेरे साथ एक संत हैं जिनका नाम बालक साहब हैं, तो उनको एक कोठारी के रूप में उनको भी नियुक्त किया गया, और हम लोग तीनों लोगों को वहाँ का नियुक्ति मिला है, महंत उप महंत और कोठारी का के रूप में नियुक्त किया गया। इसके लिए मैं सारे समाज को और सारे संत समाज और जो भक्त समाज आए हुए थे उन लोगों को अपने अंतर हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साहब सप्ताह निजामाबाद कस्बा में रात्रि लगभग 10 बजे आजमगढ़ सांसद दिनेशलाल यादव कस्बा में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया। कस्बे में शाम से ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत की तैयारियां कर रखा था। नगर पंचायत निजामाबाद में दिनेशलाल यादव निरहुआ का रोड शो हरियाउद जी मूर्ति से नगर होते हुए फरहाबाद चौराहे तक हुआ। इस दौरान बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ी थी। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष प्रत्याशी प्रवीण सिंह, जिला मंत्री संतोष कुमार गौड़, शैलेंद्रनाथ यादव, पूर्व निजामाबाद विधानसभा प्रत्याशी मनोज यादव, पंकज मोहन सोनकर आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर नगर पंचायत में नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्दल प्रत्याशी सतीश सोनकर ने चौकी ताकत जनसंपर्क किया। 23 समर्थकों के साथ कस्बा भ्रमण कर जीत की हुकार भरी। शुक्रवार के शाम 4 बजे निर्दल प्रत्याशी सतीश सोनकर ने सैकड़ों समर्थकों के साथ जैनपुर कस्बा के दोरीघाट मार्ग, आजमगढ़ मार्ग, बिलरियागंज मार्ग, अजमतगढ़ मार्ग पर भ्रमण कर जनसंपर्क किया। इस दौरान उत्साहित समर्थक निर्दल प्रत्याशी के समर्थन में नारेबाजी की। वही नगर चुनाव नजदीक जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे प्रत्याशी अपने अपने समर्थन में तेज जनसंपर्क कर रहे हैं। सतीश सोनकर ने लोगों से तेजी के साथ जनसंपर्क कर समर्थन मांगा। वही उत्साहित समर्थकों के साथ भ्रमण कर जीत की भरी हुकार भरी। जनसंपर्क में मुख्य रूप से मुन्ना यादव, राजकुमार जायसवाल, मुन्ना प्रजापति, अनिल सोनकर, सुरेश चौरसिया, विनोद सोनकर, घुराराम, श्रवण कन्हैया, पब्लू सहित तमाम सोनकर सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। मैं सतीश सोनकर, मैं जैनपुर के जनता का आभार हूँ कि सारे लोग मुझे कहा कि यहाँ पर एक जनता सा संदेश डालिए कि सारे लोग मेरे साथ चले। और जनता से क्या कहना है? मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि 35 साल से आपने सबको प्यार और दुलार दिया है, इस मर्तबा मुझको भी विश्वास करके जनता मुझे भी दुलार और प्यार दे और आशीर्वाद दे कि मैं इस नगर को सुंदर से भी सुंदर बनाऊं। मैं अनिल सोनकर, बड़े भाई सतीश सोनकर का छोटा भाई। हमारे तरफ से हर वर्ग के लोगों का प्यार मिला और सबका साथ मिला। हर वर्ग के लोगों ने हमको विकास के मुद्दे पे बात करने के लिए बोले। जनता से हमारी यही अपील है कि अगर हम चेयरमैन बने बड़े भाई सतीश सोनकर, तो हर वार्ड में नाली, पानी, चक्रोड और सुंदरीकरण की अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाएगी, जो आज के पहले नहीं हुई है। राष्ट्रीय लोकदल ने हरकेश विक्रम श्रीवास्तव को समर्थन दिया है। हरकेश विक्रम श्रीवास्तव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आजमगढ़ नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि आज राष्ट्रीय लोकदल आजमगढ़ की बैठक दल के जिलाध्यक्ष मोहम्मद महमूद खां की अध्यक्षता में उनके निवास पर आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगरपालिका परिषद आजमगढ़ के चुनाव में अध्यक्ष पद पर भारत रक्षा दल के प्रत्याशी हरकेश विक्रम श्रीवास्तव एडवोकेट को हमारी पार्टी द्वारा समर्थन उनकी कर्मठता, योग्यता आदि को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इस पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय लोकदल के सभी सदस्यों व पदाधिकारियों, मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि 11 मई को होने वाले चुनाव में कृपया इनको समर्थन दें और इनके पक्ष में मतदान करें। इस अवसर पर प्रदेश सचिव धीरेन्द्र प्रताप सिंह, मोहम्मद महमूद खान, पतिराम यादव, सहमंत्री किसान मोर्चा, डॉक्टर सुरेश यादव उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल के मौजूद रहे। मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। हम धीरेन्द्र प्रताप सिंह, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा राष्ट्रीय लोकदल सदर आजमगढ़, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश। हम लोगों ने आज श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह के सुपुत्र हम लोगों के नेता रहे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की पुण्यतिथि पर बैठक करके यह निर्णय लिया गया कि भारत रक्षा दल के उम्मीदवार भाई हरकेश विक्रम श्रीवास्तव जी को नगर पालिका के चुनाव में जितना भी संघर्ष हो सकेगा राष्ट्रीय लोकदल तन मन धन से। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के अजमतगढ़ नगर पंचायत के संवेदनशील मतदान केंद्र निरीक्षण किया गया। शुक्रवार की सुबह 10 बजे उपजिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह के साथ जैनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे ने अजमतगढ़ नगर पंचायत में पंचायत के मेघई संवेदनशील मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग लगाने व कस्बा के लोगों के साथ बैठक के लिए अजमतगढ़ चौकी इंचार्ज राजेंद्र पटेल को निर्देशित किया गया। बना दिया।
आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत जैनपुर के समता नगर में स्थित कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय पर जैनपुर कोतवाल ने सभासद प्रत्याशियों के साथ की बैठक। दिया आवश्यक दिशा निर्देश। शुक्रवार की शाम 5 बजे जैनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे ने समता नगर वार्ड कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय पर वार्ड वासियों और सभासद प्रत्याशियों के साथ बैठक की और उनको सकुशल मतदान करने की अपील की। जैनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे ने कहा कि आप सभी लोग निडर होकर मतदान करें, किसी प्रकार का कोई भय न रखें। अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो तुरंत हमें फोन करें। साथ ही जैनपुर कोतवाल यादव पांडे ने सकुशल मतदान करने की अपील की और सभी से सहयोग मांगा। इस दौरान मुख्य रूप से मुन्ना यादव, सपना यादव, फूले अहमद, कुसुमलता, उज्जवल, रोहित शर्मा, पूनम शर्मा, अर्चना तिवारी, राजू शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। जी राहुल भाई, बता